आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.2 प्रश्नावली 16.2 के सभी प्रश्नों के हल हम यहाँ करेंगे। इन प्रश्नों में विभाज्यता के परीक्षण, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी किन संख्या को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, ये जानकारी के संबंध में प्रश्न किए गए हैं। एक एक प्रश्न को हल करते हैं और समझते भी जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, इफ 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, ये कहते हैं कि ये जो संख्या है 21y5 ये 9 का मल्टीपल है। वेयर वाई इज ए डिजिट, वाई जो है एक डिजिट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कहते हैं कि ये संख्या जो है वाई एक डिजिट है जो हमें पता नहीं है, आपको पता करना है वो कौन सी डिजिट है। वो डिजिट अगर हम यहां रख देंगे तो ये संख्या जो है वो 9 से भाग्य हो जाएगी, 9 से भाग जाएगी। देखिए, 9 से भाग जाने वाली कोई संख्या जो है उसका क्या नियम होता है, वो संख्या जिसके सभी डिजिट्स का योग अगर 9 से डिवीजन हो सकता है तो वो संख्या 9 से भाज्य है, दैट इज डिविजिबल बाय 9। देखिए, 2 है एक, इसके अंदर एक है इसमें 1 और एक है इसमें वाई और एक है इसमें 5, ये चार संख्या है, इनका जोड़ जो है वो 9 होना चाहिए या 9 से गुणा की जाने वाली कोई भी संख्या 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 27 होना चाहिए या 36 होना चाहिए या 45 होना चाहिए। इस प्रकार कोई भी संख्या जो है इसका टोटल आएगा वो 9 से भाज्य होने चाहिए। देखिए, 2 और 1 3 और 5 8 तो हमारे पास में है, 5 और 1 6 2 8 8 और तो हमारे पास में, और 1 और जोड़ देंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम 9 कर देते हैं, पहले ट्राई करते हैं 9 से, तो यानी कि 8 प्लस 1 यानी 9। अगर हम यहां 1 रखे y की वैल्यू तो 9 हो जाएगा। अगर हम 2 रख, ये जो है 18 करें, यानी 8 प्लस y को अगर 18 करें तो क्या होगा, ठीक है, 8 प्लस वाई की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी तब 18 होगा, और वाई की वैल्यू 10 अगर हम रखेंगे इसका मतलब ये दो डिजिट में हो जाएगी जबकि ये वाई एक ही डिजिट का है, यानी यहां पर वाई की वैल्यू जो है वो एक डिजिट वाली आएगी, दो डिजिट वाली नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, एक ही आएगी। तो हम इसको लिखेंगे 2115, यानी वाई की वैल्यू जो है यहां पर क्या आएगी, 1 आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे है, इफ 31z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, वैसा ही है जैसा क्वेश्चन 1 था, ये जो संख्या है ये मल्टीपल है 9 का, अगर हो मल्टीपल हो 9 का, वेयर जेड इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, आपको जेड की मालूम करना है वैल्यू। यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, व्हाई इज सो, आपको पता है कि 2 आंसर इसके आएंगे, आपको जब भी आंसर निकालेंगे 2 आंसर आ सकते हैं, तो ऐसा क्यों है आपको बताना है। देखिए, आपको 9 से डिविजिबिलिटी का नियम जो है यह होता है कि 9 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिसके सभी अंकों का योग 9 होता है, यानी यहां पर 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5, ये जो संख्या आएगी ये 9 से डिविजन होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये संख्या जो आएगी वो या तो 9 हो सकती है या 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, 36 हो सकती है, 45, 54 और 63 और 72 और 81 और 90, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकती है संख्या इसका जोड़। अब देखिए, हम इसको जोड़ते हैं, देखिए 3 और 1 4 और 5 9 है ये, तो 9 प्लस जेड कितना होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, पहले हम 9 को ट्राई करते हैं, 9 प्लस जेड अगर 9 होता है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड बराबर 9 माइनस 9 यानी 0, जेड की वैल्यू अगर 0 हो यानी यहां पर ये हो जाए 3105, तो ये संख्या जो है ये 9 से डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, इसलिए यहां जेड की वैल्यू जेड बराबर 0, ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए हम 9 प्लस जेड को 18 करें, 9 प्लस जेड को 18 करें तो जेड की वैल्यू क्या होगी,
जेड बराबर 18 माइनस 9 यानी 9, जेड बराबर 9 ये भी हो सकती है, 3195 ये भी हो सकती है, क्योंकि 9 जो है एक डिजिट है। ओके, ये दूसरा आंसर हो गया इसका। तीसरा हम अगर 27 करें तो 9 प्लस जेड इजकल टू 27, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस 9 यानी 18। ओके, अभी 18 दो डिजिट में है जबकि ये जेड एक डिजिट में है, इसलिए 18 नहीं आ सकता। तो हमारे पास में इसके दो ही आंसर होंगे, 0 और 9। तो हमको पता लग गया, यू विल फाइंड दैट देयर आर टू आंसर्स फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर एक इसका वैल्यू 0 रखा जाता है तो भी वो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, और ये संख्या अगर 9 रखी जाती है जेड की वैल्यू तो भी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए इसके दो आंसर होंगे। क्लियर? क्वेश्चन 3, इफ 24 एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर एक्स इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसा ही क्वेश्चन है, 24 एक्स है, ये 3 का डिजिट, अगर ये 3 का मल्टीपल हो यानी इसको 3 से भाग दिया जा सकता हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा है, डिविजिबिलिटी बाय 3। देखिए वो नियम एक ही है कि किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग दिया जा सकता है, उसी संख्या में दिया जा सकता है जिसके सभी अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल हो। यानी कि यहां पर 3 संख्याएं हैं, 2 प्लस 4 प्लस एक्स, इनका जो योग है कितना आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, 3 का मल्टीपल 9 आना चाहिए या 12 या 15 या 18, और मतलब 3-3 जोड़ने चाहिए आप में 24, 27 और आगे तक ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम ट्राई करते हैं एक एक को लेकर के। ठीक है, देखिए हम पहले जो है ये 2 प्लस 4 प्लस एक्स बराबर कितना हुआ, 6 प्लस एक्स, 4 और 6 6 प्लस एक्स हो गया। ओके, तो 6 प्लस एक्स जो है, अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू 3 रखें, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम यहां 3 रखें तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमने 3 रख दी, यानी ये 243 हो जाएंगे, ये तो 4, 2, 6 और 3, 2, 9 हो गया। तो ये 9 इसमें है, इसका मतलब इसकी एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या आया, एक्स बराबर 3। नंबर 2, अब हम ट्राई करते हैं और क्या हो सकता है अगर हम 6 रखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए हम जो है यहां पर 6 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये 12 जो है ये 3 से डिविजिबल है, 6 प्लस 6 12 जो है 3 से भाग जाता है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो है हम इसकी एक्स की वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, यानी ये 2, 4, 6 भी हो सकता है, एक्स बराबर 6 भी हो सकता है, 2 हो गई एक्स की वैल्यू। तीसरी क्या हो सकती है, अगर हम इसको टोटल जो है 15 रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस एक्स बराबर हम 15 करें, ओके, यानी इन तीनों अंकों का योग 15 हो तो क्या होगा, एक्स बराबर 15 माइनस 6 यानी 9, एक्स की वैल्यू 9। अगर एक्स की वैल्यू 9 है तो एक डिजिट में है ये, एक्स इज ए डिजिट, तो आप जो है एक्स की बराबर 9 भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 9, यानी कि 249 भी इसको एक्स की जगह लिख सकते हैं, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, 3 वैल्यू होगी। और देखिए चौथी वैल्यू क्या होगी इसकी, 18 को अगर हम रखें, ठीक है, 6 प्लस एक्स बराबर अगर 18 माने तो क्या होगा, एक्स बराबर 18 माइनस 6 यानी 12, एक्स की वैल्यू 12। अब एक्स की वैल्यू 12 नहीं रह सकते क्योंकि एक्स एक डिजिट में है, एक्स इज ए डिजिट, ए डिजिट मतलब एक डिजिट में है,
इसलिए हम 12 नहीं रह सकते। अब और क्या हो सकता है, तीन वैल्यू हमारे पास है, तीन छह और, अगर मान लीजिए हम जो है अक्स की जगह जीरो रखें, यानी कि ये हो गया 4 और 2 6 प्लस अक्स की वैल्यू 0, तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ओके, तो अक्स की वैल्यू जो है आप 0 भी रख सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 0, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी एक्स की वैल्यू 4 आ गई, इसके आगे नहीं आ सकती क्योंकि उसके बाद दो डिजिट माइनस हो जाएगी और फिर 3 डिजिट माइनस हो जाएगी। इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है, इसके 4 आंसर ही पर्याप्त है। देखो यहां पर ये बताया भी गया है लिख करके, क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया है कि 4 अलग अलग मान इसके जो है आएंगे, एक्स कैन हैव एनी ऑफ द 4 डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर। क्वेश्चन 4, इफ 31z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर जेड इज ए डिजिट, व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू ज्ञात करना है, जेड एक डिजिट है और ये 3 का मल्टीपल है ये संख्या। अभी हमने देखा कि 3 की डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका पैमाना क्या है कि उस संख्या में जितने भी डिजिट है उन सबका योग जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। यानी यहां पर क्या क्या संख्याएं हैं, 3 है ये, प्लस 1 है, प्लस जेड है, प्लस 5 है, ये जो चारों संख्याएं हैं इनका जोड़ जो आएगा वो या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, या 15 आना चाहिए, या 18 आना चाहिए, या 21 आना चाहिए, या इसी प्रकार से आगे जो तीन तीन जोड़ते जाइए इसमें, यानी 3 के पहाड़ी में जो आता है, 3 के टेबल में जो आता है वो संख्याएं आनी चाहिए। अब देखिए हम चेक करते हैं, देखिए यहां पर 3 और 1 4 और 5 9, 9 प्लस 8, यानी ये जो चारों डिजिट है इन चारों डिजिट की सम जो है वो इनसे डिविजिबल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर जो 9 प्लस जेड, अगर हम जेड को की वैल्यू को 0 रखें, ठीक है, इसको जो है अगर हम 9 प्लस 0 रखें जेड की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 9 जो है इस संख्या में आता है, ओके, इसीलिए हम एक जेड की वैल्यू जो है 0 रख सकते हैं। एक तो हो गया आपका ये, यानी 3105 ये हो सकता है। टोटल जो है 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से ज्यादा पहले ही है, ठीक है, ये जो है इसका सम जो है 5 और 6 3 9 तो पहले ही है, इसलिए इससे 3 जोड़ने से तो फायदा नहीं है, और 6 जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद भी जो है अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 और 6 3 9 9 तो पहले से ही है, ठीक है, इसलिए 6 हो नहीं सकता, 6 से ज्यादा पहले ही है, इसलिए 3 और 6 तो हो नहीं सकते, तो ये 9 जो है यहां आ गया सम, तो ये 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है, अब हम इसको ट्राई करते हैं, अगर 12 हो, ठीक है, यानी 9 प्लस जेड बराबर 12 हो, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 9 इसको लिखेंगे हम 12 में से अगर 9 घटा दिया जाए, ठीक है, तो जेड बराबर 12 माइनस 9 यानी जेड बराबर 3, ठीक है, एक जेड के बराबर 3 हो सकती है क्योंकि अगर 3 यहां रखेंगे 3135 तो इसका जोड़ जो है 5 3 8 9 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा जोड़, यहां 12 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, 15 से ट्राई करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 9 प्लस जेड अगर बराबर 15 हो तो क्या होगा, जेड बराबर 15 माइनस 9 यानी जेड बराबर 6, जेड की वैल्यू 6 भी हो सकती है क्योंकि अगर हम जेड की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहां 3165 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 3 रख 4 6 4 10 और 5 15 15 हो गया, 15 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो 15 भी हो सकती है। अब आप जो है इसको देखिए 18 को ट्राई कीजिए, अगर 9 प्लस जेड बराबर 18 हो तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 18 माइनस 9 यानी जेड बराबर 9 हो सकती है, जेड बराबर
9 हो सकती है, तो यहां क्या हो जाएगा 3195 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 4 9 4 13 और 5 18 हो जाएगा, तो 18 इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए आपका जो है 21 से ट्राई करते हैं, 9 + z = 21 अगर हो तो क्या होगा, z = 21 - 9 यानी कि z = 21 में से हो गया तो 12। अब ये 12 जो है ये तो दो डिजिट में आ गया, हमें यहां z क्या है ए डिजिट, एक ही डिजिट है, तो इसलिए 12 नहीं आ सकता। और उसके आगे और बढ़ेंगे हम 21 पे या इसके आगे 24 पे, तो वो भी संख्याएं दो है, दो डिजिट में आएगी, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास z की वैल्यू है ये 4 आ सकती है, 0 3 6 और 9। क्लियर, आशा आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।